नाम है आपका? महिपाल सिंह। महिपाल जी, महिपाल जी आप किसकी सरकार चाहते हैं, आप कौन विधायक होना चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश की चाहिए? अच्छा, अखिलेश में कौन है यहाँ से विधायक, कौन बनना चाहिए? इंदर सेन। इंदर सेन। और जो किरत है अभी विधायक? कोई काम नहीं करा ना, कोई काम नहीं करा ना, विधायक ना करा। तो कह रहे हैं हाईवे बनवा दिए, इधर से कोविड में फ्री राशन दिलवाया लोगों को। काम चाहिए आप ये बताओ? विदेश बनवा रहा है तो कंपनियां है, टोल टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, सड़क बेच ली। कौन है कंपनी? ये तो कंपनियां बतेरी है, कोई चाइना की, अमेरिका की, जापान की। तो वो खुदा जाएंगी करने, उनको बताया जा रहा है सरकार ने बुलवाई ना यहाँ। तो काम तो सरकार ही कर रही है ना, टोल टैक्स लगा दिया, बेच दी सड़क सारी है, राम के जमाने की सड़क। टोल टैक्स तो पहले से लगता आ रहा है ना? ना पहले नहीं लगा था टोल जी, टोल टैक्स पहले से लगता ना, 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 जो जो फोर लाइन होता था ना उस पहले से ही टोल टैक्स लगता था। अब तो और ज्यादा फायदा हो चुका है, सीधा गवर्नमेंट के खाते में पेमेंट जा रही है फास्टैग के द्वारा। ये सारे विचार ही तो है, प्रोग्रेस ही तो है। तेल इतना लगता था, टूटी हुई सड़कों पे गाड़ी खराब होती थी, टायर खराब होते, वो नहीं पता इन लोगों को। 20-30 रुपए का टोल दे दो आपको, सड़कें भी तो प्रेस वाली मिल रही है यार, पता ही कुछ नहीं है दुनिया के बारे में। रोजगार है ना कोई मतलब है इस सरकार में? रोजगार नहीं, सारी रेलवे बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिए, कहते बेच दी, बैंक बेच दिए है जी, सड़क बेच दी, स्कूल बेच दिए, शिक्षा बेच दी है, पैसे वालों की शिक्षा होगी है जी। ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाएगा अब तक के जी? सरकार ने जो है आज 7 पुस्ते भी जो है थारी याद रखेगी, जो इस सरकार ने कर दिया। क्या नाम है आपका? 7 पुस्ते भी याद है, ढाका से लेकर वहां तक चाल कोट लग, कमाल का नवे नवे नोट हो गए, इतने बड़े से इतने तक की छोटे छोटे हो नहीं गए नोट, कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज बाज लग चल रहा ग्रैंड ट्रंक रोड पे, महाराजा सौ कहाँ चल रहा पहले? अरे कहीं चल भी रहा? हाँ लाटर है, सड़क या किन्ना बनवाई जिस पर तो खड़ा? अटल बिहारी योजना, अटल बिहारी की योजना नहीं, या इंदिरा गांधी की योजना? ये 7 पुस्ते याद रखेंगी, भाजपा ने वो तोहफा दे दिया। अरे इंदिरा गांधी के खड़े यार, हमको चाहेगा 5 साल और इसे ही मिले। ये मोदी ने नहीं लगवाए? मोदी को लगवा होगा, थम लगवा रहे थारी वजह से। अरे तुम थारी वजह से आज पे यहाँ तो लगवा रहे मोदी को, थाने पर कब्जा था तारा, थारी वजह से सरकार आई है, हन्नी हन्नी सरकार। हमने मिटवाया क्या? कोल टोपी करे या सरकार नहीं आती उत्तर प्रदेश में? करण और गंगो ने सरकार बनवाई, हनिया सरकार नहीं बने थी, या तो बढ़ने नहीं देता कोई सरकार, या तेरी वजह से सरकार कोई ऊपर हटके फेर बना दिया, ये तो सरकार आई। अगर लोंडो ने लिखने दे दे सट्टे बने हैं भाई, हैं थाना यार का अब भी थारी वजह था यार, मारी मार देख लो, एक मूंगफली की गिरी, थारी वजह था सरकार आई, मूंगफली की गिरी खुल जाएगी यार, सरकार तुम्हें बनवाई हैं या सरकार ने सारा देश बेच दिया इस सरकार ने? अरे तो कोई धरा चक्कू भी धर के चल सकता भाई थरे, इस सरकार ने गैस सिलेंडर थारते दिए इस सरकार ने, बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, नाश कर दिया हमारा। अरे जीएसटी हमने, हम कहेंगे जीएसटी दे रहा था, क्या दे रहा था, कहा जीएसटी दे रहे, क्या की दे रहे हैं, क्या दे रहा था जीएसटी, कमाल कर रहा, नाश कर दिया जीएसटी थी कितनी? क्या नाम है आपका? क्या नाम? हाँ सुनो, 5% थी, सुनो मेरी बात, सुनो भाई साहब, 5% जैसी 12% होगी। चोरी जो कर रहे नहीं थे, चोरी करना बंद हो गया, 22%। हम लोग बिजनेस मैन आदमी है भैया जी, बिजनेस करते हैं। ये सरकार कहा सब इनके घरों में चला गया, सब इनके घरों में चला गया भैया। सुनो, माल्ला ले गया, हीरा मोदी ले गया, ललित मोदी ले गया, मोहल चौकसी ले गया, सारे तो गुजरात के। कांग्रेस के टाइम में लोन बटा था उन्हें कांग्रेस ने। नीरव मोदी को सबको भारी LIC बेच दी, BSNL कंपनी बेच दी, 10,000 का लोन दे रहे उन्हें, हमारे कपड़े बिकेंगे भैया जी। अगर 5 साल लगेगा ना भाई जी, तो अभी तो यानी हमें तो भाई पूरा मजा आ रहा है इस सरकार में, ज्यादा मजा आ रहा है जो तो यानी पाने का। सुनो, जब उत्तर चित रहे थे लॉकडाउन में, कहा थे भाई? जब उत्तर चित रहे दंगा टूटी थारी, कहा थे? हमने तो गाड़ी चलाई पूरी, क्या की गरीबों के आता तूने पूछा नंबर तो किसने पूछा? गरीबों के आता किसने पूछा? तूने तीरस से खाया, अपनी मेहनत से खाया, कमा के इकलेश आया, कौन आया? हमने अपनी मेहनत से कमा के जब खाया, हमें तो अपनी बच्चे मर गए गाड़ियों में बच्चे मर गए भाई साहब, मर रहे कहाँ, रोक देगा मरने वालों को? जिंदा खड़ा कहीं भी ना, तुझे मर रहे
कौन मार देगा तुझे? दफनावन भी नहीं दिया, दफनावन इसमें लॉकडाउन में दफनावन मिल दिया, शमशान घाट में जान नहीं दिया। भाई एक बात सुन, कोरोना काल में ना तेरे, सुन ले मेरी बात को, कोरोना काल में तेरा कलेश नहीं दिखा कहीं भी, माई वजह नहीं दिखा, घर बैठे कमरे के अंदर है, किसी को गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसी ने नहीं देखा, ठीक है? तो थोड़ा समझो बात को। हाँ, किरत सिंह दिखा कहाँ उसके यार, क्या बात करे, कौन से महल में? हमारे महल में जब इतने मर गए, वो क्यों नहीं मरा? वो तो ऊपर वाले क्या कभी भी आ सकती है, वो ऊपर वाला था, उसके लिए ऊपर वाले भारत में थोड़ा ना मरे, पूरे वर्ल्ड में मरे यार सारे, मोदी और योगी वो ऊपर भारत में थोड़ा ना, पूरी ऐसे नहीं बोल सकते किसी को कि मरा क्यों नहीं। भाई ने, भाई ने पूरी देख सुनो, क्यों पूरी दुनिया मरे? लॉकडाउन लगा सरकार ने, अगर 5 दिन गाड़ियां चलाती है पब्लिक अपने घर चली जाती, बड़ी सोची, बड़ी सोची समझी, बड़ी हमने छोड़ दी, बड़ी सोची समझी साजिश थी, लॉकडाउन लगाना, बड़ी थे एमएलए, बड़ी एक एक करके बात करो, एक एक करके बात, भाई सुनो मेरी बात सुनिए, एक एक करके यार, एक एक करके बात, एक एक लहजे में बात नहीं कर सकते आपसे, एक एक करके बात करें, 2000 किलोमीटर की लोड बात है वो सुनो आप, एक एक करके बात करते हैं ना, पहले आपका सुन लेते हैं फिर उनका सुन लेते हैं, पहले हमारी सुनो आप। इन्होंने लॉकडाउन में, इनका ये नहीं पता था जो आज तीरथ सिंह के बिचारे गए, चलो अच्छा कहूँ बिचारा कहूँ या क्या कहूँ उसको, ठीक है यार, मेरी नज़र में तो ये है कि सभी ने, शायद आप भी उसी कैटेगरी में हो जिसमें हम थे, हैं घर से निकले डंडा आ जाओ, लेकिन जो आज कह रहे तीरथ सिंह, उनके घर में शायद अट्टा गया हो भाई, बाकी इतनी पब्लिक है मैं तो मानता नहीं, किसी के घर में हो गया भाई, किसी के घर में अट्टा तुम्हारे नहीं, कुछ क्या होगा तो मैं बताऊंगा भाई, फ्री राशन दे रहे भाई, अब मेरे सुन ले ना, फ्री राशन तो मैं भी दे सकता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक सेकंड भाई। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।